आदाब नाज़रीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में मंजिल और मकासद का हुसूल, अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देना तो हर नौजवान की ख्वाहिश होती है, मगर इसमें कामयाबी हर एक का मुकद्दर नहीं होती। कभी हमने सोचा ऐसा क्यों? दरअसल कामयाब अफराद की ज़िंदगी बहुत मुनज़्ज़म होती है और वो बेहतरीन मनसूबाबंदी के सबब अपने मकासद के हुसूल में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही आज के हमारे मेहमान हैं इमरान खान, जिन्होंने गायकी की इब्तदा बॉलीवुड गीतों से की। अपनी आवाज़ और ऊंचे सुर लगाने का हुनर रखने की वजह से वो अब सूफी गुलकारी की तरफ माइल हुए और देखते ही देखते एक बेहतरीन सूफी गुलकार की हैसियत से अपने आप को मनवाया। किस्मत ने भी इनका भरपूर साथ दिया। जैसे ही वो सूफी गुलकारी में ख़दम रखा, सूफी म्यूज़िक का चलन भी आम होता गया। फिर क्या कि इमरान खान को कामयाबी की राहें हमवार होती गई। मुख्तलिफ कंसर्ट में सूफी गायकी के ज़रिए शायकीन का दिल जीता है। इमरान खान का दूसरा पहलू यह है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हैदराबाद के नौजवान सूफी गुलकार इमरान खान से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया था हमारे इस प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, सूफी सिंगर, आपके बीच। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सियासत टीवी का और जानी साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोग्राम में शिरकत करूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी जी इमरान, शुरुआती दिनों की सोचे जी, जब से आपने गाने का सोचा या फिर आपके बचपन की बात करें जी, तो कौन सी उम्र याद आता है कि आपका रुझान इस तरफ बढ़ा है? जी, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं समझता हूँ। पहले तो मैं ऐसे ही स्कूल की डेज में गाता था, वालिद साहब भी गाते थे, तो उनकी प्रैक्टिस के बीच में मैं भी कुछ प्रैक्टिस करता था। और उन्हीं दिनों मेरे घर की शादी थी और उसमें लाइव बैंड था, तो वालिद साहब ने पहले ही कह दिया था आपको गाना है गाना। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप एक गाना सेलेक्ट कीजिए। तो उस दिन उन दिनों में हम्मा हम्मा और ऐसे कुछ AR रहमान साहब के गाने चल रहे थे। अच्छा। तो मैंने हम्मा हम्मा प्रैक्टिस की और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार में मेरा गाना बहुत अच्छा आया, लोगों ने बहुत तारीफ़ की। तो तब मुझे सिंगिंग में रुझान, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट आया। वालिद साहब भी गाते थे, वैसे तो खून में है अल्हम्दुलिल्लाह, बट देन मुझे लगा कि मैं भी सिंगर बन सकता हूँ वालिद साहब के जैसा। तो वहाँ से मैंने मेहनत करना शुरू की। तभी नए गाने जो फेमस होते थे वो समझ में आते थे, तो वो प्रैक्टिस करता था। अच्छा इमरान, आपने जो शुरुआत की जी, और अगर शुरुआती दिनों की बात करें जी तो वो कौन सा गाना रहा होगा जो आपने स्टेज पे पहली मर्तबा परफॉर्म किया, वो हमारे ऑडियंस को ज़रूर सुनाए? बिल्कुल बिल्कुल, पहला गाना तो मैंने हम्मा हम्मा गाया था, बट जब मैंने सूफ़ी में गाना शुरू किया तो मुझे सबसे पहले जो दिल को छुआ गाना वो एक नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की बड़ी प्यारी सी कव्वाली, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, आपके लिए 4 लाइन पेश करना चाहूँगा नाज़रीन के लिए। जी जी ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कुसूर है के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नज़र का कुसूर है के शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। शुक्रिया इमरान। गायकी तो आपको विरासत में मिली, यानी आपके वालिद महतरम खुद बहुत अच्छे सिंगर हैं जी, तो लेकिन आपने इसको एक नया मोड़ दिया, यानी सूफी म्यूज़िक की तरफ आपका जो रुझान बढ़ा जी, इस बारे में हमें ज़रूर बताइए। बिल्कुल,
पहले पहले जो गाना आया था जिया धड़क धड़क अच्छा राहत फ़तेह अली खान साहब का, तो पता नहीं क्यों वो गाना सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे मतलब एकदम दिल को लगता था गाना, और जो राहत साहब ने जो हाई नोट्स लिए थे तो मैं सोचता था भाई ये है क्या असल में। तो मैंने भी वो गाना शुरू किया तो लोगों को पसंद आने लगा। पहले पहले अच्छा मैं गाता था ये गाना स्टेज पर, तो तब से मैंने सोचा ये है क्या, ये इसको मतलब बोलते क्या, मतलब ये जो स्टाइल है इसको क्या कहते हैं। तब मैंने रिसर्च करना शुरू की, जब धीरे धीरे इंटरनेट आना शुरू हुआ तो गूगल पे मैंने सर्च किया राहत फ़तेह अली खान साहब ये है। अब उनसे भी जो अपर लेवल के हैं वो है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो उनके ताया हैं। तो जब मैंने राहत फ़तेह अली खान साहब को सुनने के बाद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुना तो मेरा रुझान एक और लेवल पे पहुंच गया अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वहाँ से रिसर्च करना शुरू किया और मुझे पता लगा कि इसको सूफी म्यूज़िक कहते हैं जो सीधा ऊपर कनेक्ट करती है, जो जो मैं समझता हूँ वो जो रेंज जो जाता है सूफी सिंगर का सीधा खुदा को कनेक्ट करता है। तो एक तरह की वजह जारी हो जाती थी जब मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनता था। तो तब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सूफ़ी में बाज़ाफ्ता प्रैक्टिस करना शुरू की। और उसके अलावा मैंने और एक सिंगर को सुना था उन दिनों, सारेगामा पा में पाकिस्तान के आर्टिस्ट को बुलाया जाता था, मुसर्रत अब्बास, 2007 की बात है। तो वो गाते थे हाई हाई पिच के पूरे नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने, तो उनका रेंज इतना था माइक इधर पकड़ देते हो इतना, मतलब माइक दूर रहने के बावजूद भी उनका रेंज पहुंचता था। तो तब भी मेरे मतलब वजद एक तरीके की वजद ही कह सकते हैं आप जारी हो जाती थी। तो मैंने फिर और रिसर्च करना शुरू किया, फिर मैंने साबरी ब्रदर्स को सुनना शुरू किया, अजीज़ मियाँ को सुनना शुरू किया। इसी तरह मैंने मतलब सूफ़ी में एक तरीके से अपने आप को ढाल लिया समझे। नहीं, मेरा जो सवाल था जी वो आपने मुकम्मल जवाब नहीं दिया, अच्छा क्योंकि देखिए आपके वालिद मोहतरम एक आम गाने जी 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 जैसे बॉलीवुड के हाँ हो या फिर जो है जो भी आम गाने होते हैं जी वो ही गानों को गाया करते थे, जी लेकिन आपने सूफी को जो चुना है जी इसका असल रीज़न क्या था? मतलब गाने सुनते सुनते आप सूफी की तरफ माइल हुए या जी फिर जो है क्या रीज़न रहा? देखिए सूफी म्यूजिक अलग होता है, जी बॉलीवुड बिल्कुल का म्यूजिक बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल और सूफी म्यूजिक एक चैलेंज भरा सफर था, जी तो बहरहाल आपने ये कैसे चुना हाँ, उस बारे में ये बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले तो जैसे मैंने आपको कहा बॉलीवुड गाता था, जैसे जैसे सूफी म्यूज़िक सुनता था जो दिल को लगता था वो मुझे एक तरीके का सुकून देता था। तो सूफी म्यूज़िक में मैं इतना इंटरेस्ट आने लगा मेरा खुद ही से नेचुरली था। मतलब बॉलीवुड भी, जो एक बात कहना चाहूँगा, जो सूफी सिंगर है उनको हाई रेंज की बहुत ज़रूरी है, हर कोई सूफी सिंगिंग नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह गॉड गिफ्टेड हूँ जो मेरा हाई रेंज है, और वालिद साहब के अलीमुल्ला खान साहब मेरे वालिद साहब, उनके जो प्रैक्टिस करने का अंदाज़ था मैंने वही फॉलो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाई रेंज में जो प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे एक तरीके का सुकून मिलता था। तो मैंने सोच लिया कि तभी से सूफ़ी करना है, वही अच्छा एक पक्का रीज़न है समझिए, जो अच्छा दिल को सुकून मिलता था सूफ़ी गाने से कोई और म्यूज़िक में नहीं मिलता था। तो एकदम बॉलीवुड से मैंने सूफ़ी पे स्विच कर लिया। अच्छा जी जब आपने सूफी का जिक्र किया है तो जी मैं चाहता हूँ कि कोई कलाम जो आपको याद आता हो जी हमारे नाज़रीन के लिए ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र करम मुझ पे मेरे
कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे। वाह, बहुत ज़बरदस्त आपने गाया है माशाल्लाह। सूफ़ी जो कलाम आप पेश करते हैं जिस अंदाज में, वाकई ऑडियंस भी झूम जाती है और आप मज़ा ले लेके ये कलाम को पेश करते हैं जी। तो इमरान, हमें ये ज़रूर बताइए कि आपके जो आपका जो इंस्पिरेशन रहा या फिर आप जिसको फॉलो करते हैं उस बारे में ज़रूर बताइए। बिल्कुल, पहले तो मैं राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का बड़ा फ़ैन हुआ करता था, पर एक लेवल जो है ऊपर जो है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जी मरहूम, उनको बहुत मानता हूँ मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ और मेरी प्रैक्टिस हमेशा चलते रहती है। उनको ख़ान साहब को मैं 2400 घंटों भी अगर मुझे दे देंगे उनकी CD या कुछ भी तो मैं थकूँगा नहीं उनके कलाम सुनने के लिए। तो मेरा इंस्पिरेशन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब मरहूम और उनके बाद राहत फ़तेह अली ख़ान जी। लेकिन देखिए, सूफ़ी जो आजकल ट्रेंड चल रहा है जी, बॉलीवुड में भी आजकल सूफ़ी आ गया है जी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो नुसरत साहब को गाते हैं या फिर राहत साहब का कलाम ही पेश करते हैं, अगर फरमाइश आ जाए जैसे हरिजीत सिंह भी गा रहे हैं जी, और साथ साथ बहुत सारे आजकल इन दिनों सूफ़ी सिंगर्स आ गए हैं जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे देखिए साहब, सूफ़ी सिंगर जो है कि आवाज़ वर्सटाइल होती है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो पेश करते थे वो गज़ल भी गाते थे, कव्वाली भी गाते थे, तो मैंने उनसे इंस्पायर होके बॉलीवुड में भी मतलब अपना रुझान दिखाया है। मैं बॉलीवुड भी गाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आतिफ असलम हो गया, अरिजीत सिंह साहब हो गए और कई मशहूर सिंगर हैं जो आजकल चल रहे हैं, इरफान अपने हैदराबाद के, उनको भी गाता हूँ मैं। तो एक तरीके का मैं समझता हूँ सूफ़ी म्यूज़िक बॉलीवुड में आना अच्छी बात है, क्योंकि बॉलीवुड इतना फेमस है कि उसकी वजह से सूफ़ी का नाम, मतलब जो सूफ़ी कव्वाली है, लोग शुरू मतलब रिसर्च करना शुरू कर देते हैं कि भाई सूफ़ी म्यूज़िक बोलते किसे हैं। तो एक तरीके से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है जो सूफ़ी बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया गया जी। जी जी नहीं, इसमें जो ज़्यादातर योगदान हम कहेंगे या फिर जो है इसको बॉलीवुड तक पहुंचाने में
नुसरत साहब का बहुत अहम रोल रहा, बहुत बहुत अहम, क्योंकि उन्होंने जो कलाम पेश किया, उन्होंने जो म्यूजिक दी है जी, दूल्हे का सहरा बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा, बहुत बहुत ज्यादा, वहां से ट्रेन चेंज हो गया बॉलीवुड में भी, है ना? जी जी, सही है ना? सही है, बिल्कुल सही है। और नुसरत फतेह अली खान साहब ने काफी म्यूजिक डायरेक्शन भी दिया है बॉलीवुड, बॉलीवुड इंडस्ट्री को, बिल्कुल। वो कारतूस मूवी हो गया उसमें, और कच्चे धागे बहुत बहुत फेमस रहा, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, बहुत ही फेमस गाना है, चार लाइन अगर कहोगे तो बिल्कुल आप जरूर आपकी नजर जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा कदी ना हो वे जुदा तोड़ी ना साथ मेरा जानिया हाड़िया जानिया हाड़िया कच्चे धागे सच्चे प्यार के न बोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। शुक्रिया, क्या बात है जी। अच्छा इमरान, एक सूफी गुलकार में और एक आम गुलकार में आप कितना फर्क महसूस करते हैं? जी सूफी, पहले तो गुलकार को अपना स्टाइल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई सिंगर सूफी नहीं गा सकता। सूफी गाने के लिए गॉड गिफ्टेड आपको रेंज की ज़रूरत है और वैसी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। मैं समझता हूँ पहले अगर किसी को गुलकार बनना है तो उसको अपना जॉनर पहचानना चाहिए। अगर उनका अगर गले में बेस है तो वो नेचुरली गज़ल सिंगर बनेंगे, उनका मीडियम रेंज है तो वो बॉलीवुड सिंगर बनेंगे, और उनका हाई रेंज अगर है तो सूफी सिंगर में कहलाए जाएंगे। अच्छा जी, लेकिन मैं सवाल मेरा ये था कि भाई आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क तो काफ़ी सारा है साहब, क्योंकि सूफी सिंगिंग की प्रैक्टिस जो है मुख्तलिफ है, बॉलीवुड की एकदम मुख्तलिफ है। अगर आप बेस तो वही है, आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखना ही सीखना है। अगर आप बॉलीवुड भी गाएंगे तो आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल की ज़रूरत पड़ेगी, सूफी भी गाएंगे तो आपको क्लासिकल की ज़रूरत पड़ेगी। पर मेरा मानना यह है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आपके गले के हिसाब से आपको चुनना है, या तो आपको बॉलीवुड गाना है या तो आपको सूफी गाना है। तो फ़र्क मैं ये कहता हूँ कि आपको गिफ्टेड होना चाहिए सूफी गाने के लिए, और बॉलीवुड गाने के लिए अगर आप ट्रेंड हैं तो वो काफ़ी हो जाए। नहीं, इसमें तो सारी चीज़ें आपने बता दी जी, कि भाई रेंज होना चाहिए, लेकिन सभी में सुर और ताल का होना बहुत ज़रूरी है, इसको आप ऐड कर लीजिए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेंड है तो आपको सुर भी उसी में सिखा देंगे वो लोग, ताल भी सिखा देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ट्रेंड सिंगर बन जाएंगे जब। जी सही बात जी। इमरान, सूफी गानों के साथ साथ आपने रॉक फ्यूजन भी गाया बिल्कुल, है बिल्कुल। कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते जी, आप इसको कैसे जस्टिफाई करना चाहेंगे? देखिए अब म्यूज़िक डायरेक्टर्स जैसे करते थे, आप एग्जांपल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का ही दूंगा आपको, वो क्या करते थे, ट्रेडिशनल जो कव्वाली गा चुके थे, अब एग्जांपल है दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त, वो एक्चुअली ट्रेडिशनल कव्वाली है। यूथ को सूफी म्यूज़िक का इंट्रोडक्शन दिलाने के लिए उन्होंने उसमें वेस्टर्न म्यूज़िक ऐड की, जैसे कि गिटार हो गया, ड्रम्स हो गया, वो चीज़ें उन्होंने ऐड की ताकि आजकल की यूथ इस म्यूज़िक को भी सुने, इन्हें अट्रैक्ट करने के जी, अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो ये फ्यूजन का जो सिस्टम है काफ़ी पुराना ही है, 80s-90s में आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब करके गुजर गए, उसी को हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं। ये जो थोड़े गाने हैं जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने ट्रेडिशनली तो कव्वाली एज ए कव्वाली कंपोज किया, पर आजकल की यूथ को सुनाने के लिए उन्होंने रिमिक्स में थोड़ा रिमिक्स कर दिया उसको, या तो उसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर लिए, झूले झूले लाल दम मस्त कलंदर है उनके, और किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, वो भी ट्रेडिशनल कव्वाली है, पर उन्होंने
उसको अट्रैक्शन डालने के लिए फ्यूजन का इस्तेमाल किया। तो ये काफ़ी मैं समझता हूँ एक यूथ को इंटरेस्ट लाने के लिए बहुत अच्छा जरिया है। सूफी फ्यूजन जो कर रहे हैं आजकल लोग, बहुत अच्छा जरिया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए कोई और कलाम आप ज़रूर सुनाएं। जी बिल्कुल, आप जैसे आप सूफी फ्यूजन की बात करें तो बिल्कुल, ये जो आजकल अरिजीत सिंह का बहुत ही फेमस गाना है बुले, आप पेश करूँगा आप सबके लिए। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए, वे की करा वे की करा, एक बार तो तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, वे की करा वे की करा। राधण देयार बुलिया सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। तो ये था रॉक फ्यूजन, सूफी रॉक फ्यूजन, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रॉक बैंड भी है जो रूहानियत के नाम से है। तो मैं जब क्लाइंट की ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से सूफी रॉक बैंड भी पेश करता हूँ जिसमें फ्यूजन है। मतलब तबला भी मिलेगा आपको, ड्रम्स भी मिलेगा उसमें, कीबोर्ड भी मिलेगा आपको, गिटार भी मिलेगा, तो एकदम फ्यूजन माहौल का वो अलग सेटअप है, समझिए रूहानियत सूफी बैंड। हाँ जी, चलिए अच्छी बात है। तो मैंने सोच समझ के रखा है नाम रूहानियत। रूहानियत का मतलब सोलफुलनेस, तो मैं कोशिश करता हूँ सोल टच करने की मेरे म्यूजिक के थ्रू। तो बहुत सोच समझ के रखा था नाम मैंने। अच्छा, शायद सबको पसंद आए। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको रोकेंगे जी। तो नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुँच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के जाने माने सूफी गुलकार इमरान खान से। ब्रेक से पहले सूफी के मुतालिक आपसे बहुत सारी बातें की जी। तो अभी मैं इमरान आपसे पर्सनल लेवल पर बात करना चाहूँगा। पहले तो आप अपना ओरिजिनल नाम बताइए, क्योंकि इमरान खान तो आपने सिर्फ स्टेज के लिए रखा है जी, तो वो बताइए हमें जी। मेरा असल में पूरा नाम है वसीमुल्ला खान। अच्छा जी, लेकिन तो इमरान खान रखने की वजह क्या है जी? वैसे वालिद साहब का सजेशन था ये। अच्छा, क्योंकि वसीम नाम के दो तीन ऑलरेडी सिंगर थे इंडस्ट्री में। तो वो बोले भाई आपका घर का नाम ही अच्छा है, इमरान खान ही आप स्टेज नेम रखिए। तो तब से उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ, इमरान खान तब से पड़ गया नाम स्टेज नेम। अच्छा जी, तो पहले आप वसीमुल्ला खान के नाम से ही गाने गाया करते थे, लेकिन दो चार वसीम आने की वजह से ये वसीम पीछे हो जाएगा जी। तो वाकई आपके वालिद साहब की बहुत अच्छी सोच है, तो तब से आप इमरान बन गए जी। अच्छा इमरान, आप तो खैर फने गायकी में तो है ही है, साथ साथ आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। हमें जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आप थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को जी। बिल्कुल, मैं वैसे तो जेनपैक में जॉब करता हूँ फुल टाइम। अच्छा अच्छा, और सिंगिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह, आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, सिंगिंग के साथ साथ। माशाल्लाह जी, जब आपने बताया कि भाई जनपैक में काम करना जी बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, क्योंकि 5 डेज आप बिल्कुल बंधे हुए होते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है गायकी की तरफ जो आए हैं, और आप कितना वक्त दे पाते हैं इस बारे में ज़रूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो मेरी 9 घंटे की शिफ्ट होती है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे मैनेजर्स वगैरह बहुत ही हेल्पफुल नेचर के, उनको पता है मैं सिंगिंग भी करता हूँ,
तो जब ऑफिस में कुछ इवेंट होता है तो सबसे पहले इमरान खान का नाम आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सपोर्टिव है, तो मैं मैनेज कर ले सकता हूँ कि ऑफिस भी मैनेज कर सकूँ और शोज़ भी मैनेज कर सकूँ। नहीं लेकिन इमरान देखिए, आप जब आपके बॉस को जी आप सूफी म्यूज़िक के ज़रिए अब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं या मुतासिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ऐसा बॉस जिसको सूफी म्यूज़िक का नॉलेज नहीं है या सूफी म्यूज़िक नहीं सुनता हो, तब आप क्या करेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे मैं हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे हर तरीके की ऑडियंस आती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अब मैं पूरे प्रोग्राम में सूफी नहीं गा सकता, तो मेरे को थोड़ा बॉलीवुड भी गाना पड़ता है, मेरे को थोड़ी गज़ल गाना पड़ता है, थोड़े डांसिंग नंबर्स गाना पड़ता है। तो उसी तरीके से जैसे मैं सूफी गा के पहले मैनेजर को मनाया, वैसे ही बॉलीवुड गा के, बॉलीवुड तो हर कोई सुनता है सब, तो मैं वो मैनेजर को बॉलीवुड गा के इंशाल्लाह मना लूँगा। अच्छा चलिए अच्छी बात है। जब आपने बॉलीवुड का जिक्र किया है तो मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड का कोई बेहतरीन नंबर जो आप को बहुत ज़्यादा पसंद आता हो वो ज़रूर सुनाएं। जी बिल्कुल। सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, ओ सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में ओंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने छुपा के रखा खाते सजा के, तू है मेरी वफा, रख अपना बना के, मैं तेरे लिया तेरे लिया यारा, ना पावी कदी दूरिया है। तेनु लखा तो छुपा के रखा खाते सजा के, तू है मेरी वफा, रख अपना बना के,
वाह, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया सर, आपने तो कमाल दिखाया है इसमें। अच्छा इमरान, एक दौर था जब आवाज़ मकबूल मानी जाती थी, आवाज़ के ज़रिए लोग पॉपुलर होते थे, लेकिन जब से हमारी ज़िंदगियों में टेलीविज़न ने रुख किया, या फिर यूँ समझिए कि हमारी ज़िंदगियों में एक जगह बनाई जी, तब से रियलिटी शोज़ आ गए हैं, बहुत सारे न्यू टैलेंट आ गया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा पर्सनल राय ये है मेरी, मीडिया के दो भी इफ़ेक्ट्स हैं, पहले तो साइड इफ़ेक्ट भी है और इसके एडवांटेजेस भी है। मैं सिर्फ एडवांटेजेस आपको बताऊंगा। मीडिया, देखिए आजकल टैलेंट हर जगह है सब, और पहले सिर्फ रेडियो होता था, दूरदर्शन होता था, और इसी के ज़रिए आप टैलेंट अपना जाहिर कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया आने की वजह से घर बैठे बच्चा भी अपनी वीडियो, अपना टैलेंट रिकॉर्ड कर सकता है, तब का तब आपको जाहिर कर सकता, आपको बता सकता है, अपना टैलेंट बता सकता है। तो मैं समझता हूँ मीडिया बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि घर बैठे बच्चा भी वायरल होकर, आजकल कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो वायरल होकर भी एकदम मशहूर हो गए, मतलब वीडियो उनकी वायरल हो गई व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप से चले गई, थोड़े इंस्टाग्राम पे चले गए, ऐसे मशहूर हो गए, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे। तो मैं मीडिया का बहुत ही अच्छा इसको लेता हूँ, अच्छा देखता हूँ इसको। अच्छा, नहीं मीडिया आने से तो खैर फ़ायदा हुआ है जी, लेकिन एक चीज़ हम जो देखते हैं इमरान, के कोई भी गाना जी एक नंबर हिट होता है जी, उसके बाद क्या वजह है कि जो सिंगर, जो भी आप देखिए बॉलीवुड हो या यहाँ के भी बहुत सारे सिंगर्स, खैर मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कि एक गाना हिट होता है उसके बाद उनके लगातार गाने पिट जाते हैं या चल नहीं पाते हैं, तो ये बताइए कि ये एक गाना हिट होने के बाद ये लोग मेहनत छोड़ देते हैं, या उस तरह की जो चीज़ होनी चाहिए ऑडियंस को जो पसंद आए वो पेश नहीं कर सकते, क्या वजह है आप बताइए जी। मैं समझता हूँ पहले जो गाना मिला उनको, अगर वो हिट हो गया तो पहले तो लक की बात है, उनकी आवाज़ अच्छी है, टैलेंट भी है, और लक भी उनका साथ दे दिया तो पहले हिट हो गए वो। और दूसरी बार में अगर वो कुछ और स्टाइल का गाना पेश कर देंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा जी। अगर मैं सूफी गाते हुए अचानक गज़ल गा दूंगा दूसरा गाना तो लोग पसंद नहीं करेंगे। तो अगर मैं एज ए सूफी सिंगर पहला गाना गा रहा हूँ तो मुझे देखना चाहिए कि मुझे दूसरा गाना भी सूफी मिले, तो एक रीज़न मैं वो भी समझता हूँ। आप जो स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, आपको अगर वही स्टाइल का फिर से गाना मिल गया तो आपका दूसरा गाना भी हिट होगा इंशाल्लाह जी। सही बात है, तो बहरहाल बातचीत के सिलसिले को हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कोई और कलाम जो नुसरत साहब का या राहत साहब का गाया हुआ हो आप ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल, मेरी एक पर्सनल फेवरेट है सादगी तो हमारी, ज़रा देखिए, काफ़ी मशहूर है इन दिनों आपकी नज़र जी। ज़रूर बारा आपके वादे पर कर लिया, साध
इश्क में उलझने पहले ही कम न थी और पैदा नया दर्द सर कर लिया और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, वादे पर कर लिया, वादे पर कर लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ये आपका फेवरेट था और मेरा भी फेवरेट हो गया। अच्छा। है। मैं समझता हूँ नाजरीन का भी फेवरेट हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। आपने बताया था इस कलाम से पहले कि भाई यानी मीडिया आने से बहुत सारा फायदा हुआ है जी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये जुड़ता है इमरान, कि क्या इंडस्ट्री में इतनी जगह है कि इतने लोगों की खपत हो सकती है? मैं समझता हूँ बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का दुनिया भर के लोग किस्मत आजमाने आते हैं, और अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप उतने मेहनती हैं, तो आपकी बेशक कहीं ना कहीं खपत हो जाएगी। सिंपल सा जवाब। सही बात जी। नहीं, मैं ये समझता था कि देखिए बहुत सारा टैलेंट हमारे को रियलिटी शो के ज़रिए देखने में आता है जी। तो ये सारे लोग कहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं या कहाँ पे इनकी खपत हो सकती है? लेकिन आपने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, अगर आपके पास टैलेंट है तो कहीं ना कहीं आप बेशक कोई ना कोई आपको जो है हाथों हाथ ले लेगा, है ना जी। ठीक है। अच्छा इमरान, एक सवाल यहाँ पर ये जुड़ता है कि एक गुलोकार को दौरे हाजिर में आवाज़ के साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस का होना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपका अपीयरेंस अब सूफी सिंगर के लिए ज़रूरी है कि वो दिखे भी सूफी सिंगर। अब जैसे मैं खुद का एग्जांपल दूंगा। अब मैं एक पैटर्न फॉलो करता हूँ जी। अगर मेरा बैठक अब यूजुअली सूफी सिंगिंग तो बैठ के ही होती है, तो मैं देखता हूँ कि मैं कुर्ता पैजामा बिल्कुल पहनूँ, और अगर मैं अगर कोई और टाइप का शो कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि किस तरीके का स्टेज है, उस हिसाब से मेरे को अपना अपीयरेंस अच्छा दिखने का बहुत ज़रूरी है आजकल स्टेज पर, क्योंकि आपको पता नहीं आपकी कौन सी वीडियो वायरल हो जाए, और मुझे हर बार मुझे अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं समझता हूँ फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है जी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पहले के दौर में सिर्फ आवाज़ देखी जाती जी। थी, लेकिन आजकल लुक भी देखा जा रहा जी, है बिल्कुल ना? आपका प्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट हो गया जी है। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि भाई कोई भी वीडियो आपकी वायरल होती है, अगर आप उसमें सही ढंग से नहीं दिख रहे हैं तो आपका बिकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो दिखता है वो तो मैं चाहता हूँ कि हमारी एक फरमाइश है, हमारी टीम की जानिब से भी बहुत खास फरमाइश की गई है जी। आजकल जो बहुत ज़्यादा हिट ये नंबर चल रहा है, बोल कफारा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी की नज़र नाज़रीन के लिए भी मैं खास इस गीत को पेश करूँगा, लीजिए। दिल गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, दिल की तौबा ये दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल यारा बोल कफारा क्या होगा। हमने धड़कन धड़कन करके हम
हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया, आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया, तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तो ये बता ये जुर्म के जुर्म की क्या है सजा, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की, दिल की तौबा दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल यारा तो यारा बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलने के दीप जलाए, अखियों ने मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीते हो लेकिन हम साथ कोई हारा ना होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा ये दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा वो यारा बोल कफारा क्या होगा, हाँ तो इमरान हम जो देखते हैं आप आए दिन मुसलसिल बिजी रहते हैं स्टेज शो में या फिर ऐसी सी महफिलों में आप जो है परफॉर्म करते हैं जी, लेकिन कभी आपको बॉलीवुड में गाने का मौका मिल जाए प्लेबैक करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी पूरी कोशिश है मैं बॉलीवुड में गाऊं किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टॉलीवुड में गाने का मौका मिल चुका है एक बार, शॉर्ट फिल्म थी और वो लोग कैलाश खेर जैसी आवाज़ ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो मैंने एक बार ऑडिशन दिया था तो उनको पसंद आया था, तो शॉर्ट फिल्म में मेरा एक छोटा सा गाना भी है, टॉलीवुड में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री हो चुकी है। अच्छा, एक महीने में। आहा, और बॉलीवुड की जद्दोजहद चल रही है, इंशाल्लाह अगर किस्मत में है तो बिल्कुल बॉलीवुड में भी गाएंगे। तो हम भी दुआ करेंगे कि आप जल्द से जल्द आपकी आवाज़ बॉलीवुड तक सुनाई दे, है ना? तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इतना वक्त दिया जी। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, ऐसे ही ताविंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा, आप अपने दोस्त और होस्ट के भी जाने को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।